नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे परम सुख मंत्र, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। राजा विक्रम सिंह ने अपनी व्यथा ऋषि को कह सुनाई। तब राजन, मैं हूँ ऋषि संतावनाचार्य, आप तनिक भी दुखी एवं परेशान ना हो। वास्तव में ये तो ईश्वर का नियम है। ईश्वर जो करता है वो सदैव अच्छे के लिए करता है। भला वो कैसे ऋषिवर? अब देखो, ऋषि मंगताचार्य ने आपको साप दिया। साप की बात सुनकर आपके दो दो शत्रुओं ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी। दोनों शत्रु आपस में ही लड़ भिड़ कर मारे गए। दोनों कलुषित बुद्धि के राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ऐसे राजाओं की सेना भी अत्याचारी होती है। उनकी मृत्यु का दुख ना करो राजन, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर वही युद्ध आपको और आपकी सेना के बीच हुआ होता तो आपको पराजय का सामना करना पड़ता, निर्दोष सैनिक भी मारे जाते। मैं आपको सुखी रहने का एक मंत्र देता हूं। मंत्र? अबे मत दे, ये सुखी हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? राजन, इस मंत्र को हमेशा स्मरण रखना, ये परम सुखम मंत्र है। मंत्र ये है कि आड़म बाड़म पंगा पाऊं, अर्थात महाराज, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अर्थात आड़म बाड़म पंगा पाऊं। ठीक उसी समय, बचाओ, ये उकाब मुझे उठाकर ले जा रहा है। बाकेलाल, ऋषि को बचाओ। आप भी व्यर्थ ही चिंता करते हैं महाराज। स्वयं ऋषि संतावनाचार्य का कहना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। स्मरण कीजिए उनका दिया हुआ वो मंत्र, आड़म बाड़म पंगा पाऊं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हुआ भले के लिए हुआ। ओह, अब मेरी समझ में आ गया है कि तुम मुझे उसी मार्ग से लेकर क्यों आए जहां पर ऋषि मंगताचार्य बैठे थे। हाँ, इसलिए क्योंकि मुझे भगवान शंकर ने उस शत्रु राजा की नियत के विषय में सावधान कर दिया था। मैंने सोचा कि इन दोनों को एक साथ मरवाने की इससे शानदार युक्ति नहीं हो सकती। तभी, अरे ये तो ऋषि संतावनाचार्य ही हैं। हाँ, वो आपके बदले भूल से मुझे उठाकर ले गया था। महाराज, मुझे तो छोड़ो। आड़म बाड़म पंगा पाऊं। बाकेलाल, ये उकाब हमें लेकर कहाँ जा रहा है? उकाब तो केवल आपको लेकर जा रहा है महाराज। आपने अपने साथ मुझे संकट में क्यों फंसा दिया? तुम ठीक कहते हो बाकेलाल। बाकेलाल, भूल और घबराहट में मैंने तुम्हें पकड़ लिया था। मैं तुम्हें अपने साथ किसी संकट में नहीं फंसाना चाहता। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मेरे साथ तो जो होगा वो आड़म बाड़म पंगा पाऊं। नहीं, इतनी ऊंचाई से गिरकर मेरी सारी हड्डियों का आड़म बाड़म पंगा पाऊं हो जाएगा। मुझे कसकर पकड़े रहना महाराज। शीघ्र ही उकाब उन्हें लेकर पहाड़ी के चट्टानों के बीच उतरा। क्विक, मोटे ने मुझे भी मरवा दिया। यहाँ इस उकाब के और भी साथी होंगे जो बड़े आनंद के साथ हमें अपना आहार बनाएंगे। बाकेलाल, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा, और वो उकाब क्या कर रहा है? वो अपनी चोंच तेज कर रहा है ताकि हमें चीर फाड़ सके। ओह, ये चट्टाने ही इन उकाबों का घर है। चट्टानों पर चोंच घिसकर उस उकाब ने अपने बाकी साथियों को संकेत कर दिया है कि फटाक 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 इसी कार आ गए हैं, बाहर आकर नाश्ता कर लो। घबराओ मत बाकेलाल, आड़म बाड़म पंगा पाऊं, अर्थात जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। उकाब देते एक भैंसे को पकड़ कर लाए। इसकी तिक्का बोटी एक कर दो। चबड़ चबड़ चबड़ीला। तुम ये दृश्य देखकर घबरा गए होंगे। चबड़ चबड़ चबड़ीला।
हम उकाब जाति के राक्षस हैं, पलक झपकते ही किसी की टिक्का बोटी कर देते हैं, तुम्हारी भी अब तक कर डालते। मैं उकाबों का राजा बेकाबू तुम्हें अपना जीवन बचाने का एक अवसर देना चाहता हूं। तुम्हें राक्षस रूप धर को खोजकर उसका अंत करना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। राक्षस रूपधर कोई भी रूप धर सकता है। उसको रक्त चूसने का शौक है। वो आए दिन हमारे दैत्यों के रक्त चूस जाता है। हमारे दैत्य दुर्बल होते जा रहे हैं। वो देखो, 2 दैत्य दुर्बलता से चक्कर आने पर मूर्छित होकर गिर गए हैं। किंतु तुम तो स्वयं शक्तिशाली हो। तुम उसको खोजकर नहीं मार पाए तो हम उसका अंत किस प्रकार से करेंगे? वास्तव में उसको तुम्हारे राजा विक्रम सिंह का खून चूसना है, किंतु वो राजा को पहचानता नहीं, जबकि राजा विक्रम सिंह को हमारे एक उकाब ने पहचान लिया। उसको विक्रम सिंह तब तक नहीं मिलेगा जब तक स्वयं विक्रम सिंह उसकी खोज आरंभ नहीं करेगा। इसलिए हम तुम्हें यहां लेकर आए हैं ताकि तुम उसकी खोज आरंभ करो, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी तो करेंगे ही, तुम्हारी प्रजा की भी तिक्का बोटी एक करेंगे। किंतु यदि तुमने राक्षस रूपधर का अंत करने में सफलता प्राप्त कर ली तो हम तुम्हें हीरे मोतियों से तोल देंगे, और यदि तुम उसके द्वारा चूसे गए तो फिर हम हीरे मोती तुम्हारे खजाने में जमा कर देंगे। किंतु दोनों ही स्थितियों में हमें राक्षस रूपधर से छुटकारा मिल जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं राक्षस रूपधर की खोज में जाता हूं। आओ बाकीलाल, मैं आता हूं। ठहरो बाकीलाल, तुम अभी यहां से नहीं जा सकते। तुम यहां पर जबरदस्ती के मेहमान बनकर आए हो। तुम्हें यहां से भेजने से पहले हम तुम्हारा आगड़ बागड़ बिल्ला करेंगे। आगड़ बागड़ बिल्ला वो क्या होता है? कुछ नहीं, यहां लेट जाओ। यहां लिटाकर क्या करोगे? कहा तो है आगड़ बागड़ बिल्ला। आगड़ बागड़ बिल्ला क्या होता है ये हम तुम्हें बता देते हैं। बाकीलाल, वो है आगड़ बागड़ बिल्ला। ऊपर कई सारे आगड़ बागड़ बिल्ले लटक रहे हैं जो अलग अलग रस्सियों से बंधे हैं। तेरा राजा इनमें से 3 बार एक आगड़ बागड़ बिल्ले की रस्सी चुनेगा। हम उस रस्सी को खोल देंगे। इन सब आगड़ बागड़ बिल्ले में केवल एक आगड़ बागड़ बिल्ला ही नीचे गिर सकता है, मगर वो कौन सा है ये हमें भी नहीं पता। अब तेरा भाग्य है कि तेरा राजा कौन सी रस्सी चुनता है। सबसे पहले मैंने चुनी ये वाली रस्सी। अबे बाकेलाल, हुन तेरा की होऊंगा। अब मैं इस रस्सी को खोलूंगा। इसके खोलते ही या तो आगड़ बागड़ बिल्ला नीचे गिरकर तेरा काम तमाम कर देगा या फिर नहीं करेगा। बाकीलाल, घबराना मत, परम सुख मंत्र याद करो, अर्थात आड़म बाड़म पंगा पाऊं। बाकीलाल, ये छोड़ी मैंने रस्सी। नहीं, आगड़ बागड़ बिल्ला नीचे नहीं गिरा। बाकीलाल, प्रथम बार के इस खेल में तू बच गया। बाकीलाल, तुम घबराना नहीं, मैं दूसरी रस्सी चुन रहा हूं। ये छोड़ी मैंने रस्सी। इस बार भी आगड़ बागड़ बिल्ला नहीं गिरा। बाकीलाल, तू दूसरी बार भी बच गया, परंतु तीसरी बार बचूंगा या नहीं? बाकीलाल, घबराना नहीं, परम सुख मंत्र का स्मरण करो, अर्थात आड़म बाड़म पंगा पाऊं। ये खोली मैंने तीसरी रस्सी। डर के मारे मेरी आधी जान तो 2 रस्सियों के खुलने से पहले ही निकल चुकी है। मुबारक हो बाकीलाल, तुम तीसरी बार भी बच गए। बाकीलाल, ये सारा कमाल आड़म बाड़म पंगा पाऊं का है। अबे मोटे, तेरी तो बाकीलाल, तुम ये मत समझना कि इसमें आगड़ बागड़ बिल्ला है ही नहीं। ये देखो, मैं सारी रस्सियां एक साथ खोल रहा हूं। अरे बाप रे, आज तो मोटे के स्थान पर मैं ही मारा जाता, स्वयं अपने ही हाथों। साय कचाक।
अब हम जाते हैं राक्षस रूपधर की खोज में। आओ बाकेलाल, मोटे मुच्छर मेरा आधा खून सुखा दिया, एक तमाचा तो मैं भी तेरे गाल पर अवश्य जरूंगा। महाराज परम सुख मंत्र का स्मरण कीजिए, अर्थात आड़म बाड़म पंगा पाऊं। गुर्र मोटे मुच्छर तेरी ऐसी की तैसी, गुर्र चटाक। बाकेलाल तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा महाराज, क्योंकि आड़म बाड़म पंगा पाऊं। तुम ठीक कहते हो बाकेलाल, किंतु यदि इस थप्पड़ के पीछे आड़म बाड़म पंगा पाऊ वाली बात मुझे दिखाई नहीं दी तो फिर मैं महल पहुंचकर तुम्हारा एक बार फिर आगड़ बागड़ बिल्ला करूंगा। अरे पवित्र घंटा स्वयं ही बजने लगा, टन टन टन। किंतु ये तो राक्षस रूपधर की मृत्यु पर तभी बजना था जब उसकी मृत्यु देह आसपास ही होती। यहां तो कहीं पर भी राक्षस रूपधर की मृत्यु देह दिखाई नहीं पड़ रही। ठहरो ठहरो, अपना गाल दिखाओ, क्या अब तुम भी तमाचा जोड़ोगे? नहीं, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं और जो ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिल गया है। ये मच्छर, मच्छर दूसरे ही पल मच्छर बदल गया राक्षस में। हाँ क्योंकि ये रूपधर है जो तुम्हारी गाल पर मच्छर के रूप में बैठा तुम्हारा रक्त चूस रहा था। तुमने जैसे ही इसकी खोज आरंभ की वैसे ही इसको तुम्हारी स्थिति का पता लग गया होगा और ये तुम्हारा रक्त पीने पहुंच गया। यदि बाकेलाल तुम्हें तमाचा ना जड़ता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम चुपचाप चूस जाते, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते। क्या बाकेलाल, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारे कारण ही मर्स का उत्पाती राक्षस रूपधर। बाकेलाल आड़म बाड़म पंगा पाऊ वाली बात सिद्ध हो गई। बना बनाया खेल बिगड़ गया, मोटा थोड़ी ही देर में राक्षस रूपधर के हाथों चुस जाता। अगर मुझे पता होता कि इस मनहोस के गाल पर दैत्य रूपी मच्छर बैठा है तो मैं इसको थप्पड़ क्यों मारता? बाकेलाल अपना सिर क्यों पीट रहे हो? मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं महाराज, ऐसा करने से ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं। किंतु हम तो तुम दोनों पर प्रसन्न हो ही गए, हम तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मैं तुम्हें ओड़म बोड़म घाटी का पता बताता हूं। देखो वो ओड़म बोड़म पहाड़ियां हैं, ओड़म घाटी में उतरने पर बोड़म घाटी पहुंचते हैं और बोड़म घाटी में उतरने पर ओड़म घाटी पहुंचते हैं। ओड़म घाटी में छोटा खजाना, बोड़म घाटी में बड़ा खजाना। ओड़म घाटी से खजाना लाना है बहुत सरल, जबकि बोड़म से खजाना लाने में है खतरा। जिसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। तुम जो चाहो खजाना प्राप्त कर सकते हो, चाहो तो तुम दोनों भी प्राप्त कर सकते हो, हम दोनों खजाने प्राप्त करेंगे। शीघ्र ही दोनों ओड़म बोड़म पहाड़ियों के शीर्ष पर जा पहुंचे। बाकेलाल खजाना तो हमारे पास बहुत है, फिर तुम और खजाना क्यों प्राप्त करना चाहते हो? किसी भी राजा की समृद्धता और शक्ति का पता उसके खजाने से ही चलता है। खजाना जितना अधिक होगा उतना ही प्रजा के कार्यों में खर्च करके प्रजा को खुशहाल किया जा सकता है। और फिर आती हुई लक्ष्मी को भला कौन ठुकराता है? किंतु बाकेलाल तुम किस घाटी में जाओगे खजाना लाने? ओड़म घाटी में उतरने पर बोड़म घाटी में पहुंचते हैं जहां जान का खतरा है, और बोड़म घाटी में उतरने पर पहुंचते हैं ओड़म घाटी, यानी ओड़म घाटी पहुंचने के लिए उतरना बोड़म घाटी में ही पड़ेगा। तो फिर जान का खतरा किस घाटी में है, ओड़म में उतरने पर या बोड़म में उतरने पर? बेटा बाकेलाल इस ओड़म बोड़म के चक्कर में मत पड़। बाकेलाल क्या सोच रहे हो? महाराज मेरे पांव में उतरने का दर्द आरंभ हो गया है, ये दर्द उतरते समय होता है, मैं तो किसी भी घाटी में नहीं उतर पाऊंगा। तो फिर खजाना लाने मुझे जाना होगा, पर मैं किस घाटी में उतरूं? इसमें सोचना कैसा, सीधे बोड़म घाटी में जाकर बड़ा खजाना ही ले आइए। जान के खतरे से क्या डरना, भूल गए आड़म आड़म बाड़म पंगा पाऊं। ओह हाँ
तो ठीक है भाकेलाल, मैं ओणम घाटी में उतरता हूं, जो मुझे बोरम घाटी ले जाएगी। वो मारा, मुझे इस घाटी में छोटा खजाना हुआ तो मोटा उसे ले ही आएगा और फिर दूसरी घाटी में बड़े खजाने के चक्कर में जाकर मारा जाएगा, क्योंकि वहां जान का खतरा है। किंतु यदि इस घाटी में उतरने पर बड़ा खजाना हुआ तो वहां जान का खतरा भी होगा। मोटा वहां से बचकर आ पाता है या नहीं, अब मुझे यहां बैठकर इसी बात की प्रतीक्षा करनी होगी। राजा विक्रम सिंह ओणम घाटी में उतरकर पहुंचा बोड़म घाटी में। ओह, यहां तो चारों ओर खजाना बिखरा हुआ है। सोचना, चलो दिलदार चलो घाटी के पार चलो, ऐसा कहते ही घाटी में बिखरा खजाना तुम्हारे साथ साथ बाहर चलकर घाटी से बाहर निकल जाएगा। ओह, तो सूचना तो खजाने के बारे में लिखी है, इसका मतलब ये छोटा खजाना है। चलो दिलदार चलो घाटी के पार चलो, ओणम बोड़म का चक्कर इसलिए रखा गया होगा ताकि हर कोई खजाने के चक्कर में ना पड़े। विक्रम सिंह के ऐसा कहते ही सारा खजाना उसके पीछे पीछे ही चलने लगा। ओह, सारा खजाना मेरे पीछे ही आ रहा है। बाकेलाल, मैं छोटा खजाना ले आया। वो मारा। महाराज, ये खजाना तो भूमि पर गिर ही नहीं रहा ताकि इसे समेटा जा सके। खजाना मैं लाया हूं तो शायद ये मेरे साथ ही रहेगा। बाकेलाल, क्या ख्याल है, इस खजाने को पहले महल में छोड़ाऊं? नहीं महाराज, बड़ा खजाना भी साथ लेकर ही चलते हैं। ठीक है, तो मैं बड़ा खजाना लेकर आता हूं, जो मुझे मिलेगा बोड़म घाटी में प्रवेश करने पर। कंबक, खजाना भी समझदार है। बोड़म घाटी के रास्ते विक्रम सिंह पहुंचा ओणम घाटी में, जहां अरे मेरे पीछे आ रहा खजाना यह भूमि पर गिर पड़ा। तभी वहां एक खूंखार सर्प दैत्य प्रकट हुआ। राजन, यदि तू ओणम घाटी में प्रवेश करके छोटा खजाना लेकर यहां नहीं आता तो तू मेरे द्वारा निगला जाता, क्योंकि छोटा खजाना ही जान के खतरे का वो मूल्य है जिसके बारे में तुम्हें दैत्यराज बेकाबू ने बताया था। ओह सर्प रक्षक, अबे ये खजाना तुम्हारा है, अब तुम इसको लेकर जा सकते हो। घाटी से बाहर जाकर जैसे ही अपलम चपलम कहोगे, खजाना तुम्हारे राजकोष में पहुंच जाएगा। ओह धन्यवाद खजाने के रक्षक। विक्रम सिंह घाटी से शीघ्र ही बाहर निकला तो बाकेलाल, मैं बड़ा खजाना भी ले आया। क्या, इस पर जान का खतरा नहीं मंड रहा क्या? फिर सारी बातों का पता चलते ही बाकेलाल ने अपना सिर पीट लिया। सत्यानाश, बेड़ा गर्क, अगर मुझे पता होता कि छोटा खजाना बड़े खजाने का मूल्य है और वो ओणम घाटी में प्रवेश करने पर ही मिलता है, तो मैं स्वयं ही चला जाता उसे लेने। इतना बड़ा खजाना पाकर तो मैं विशालगढ़ जैसे 10 राज्य खरीद लेता। आड़म बाड़म पंगा पाऊं, आज इस परम सुख मंत्र के बल पर ही हमें खजाना प्राप्त हुआ है। बांके दे पुच्ची। उस मंगताचार्य को मौत आ जाए, ना वो मुझे मिलता, ना मैं मोटे को वहां ले जाता, ना मोटा व्यथित होता, ना ऋषि संतावना के पास जाता और ना खजाना मिलता। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना।